लिख लो है ना, पावर डिसिपेटेड, हेडिंग लिख लो पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द रजिस्टर। तो देखो मान लो रजिस्टर है ना, इसमें से आई करंट जा रहा है, रजिस्टर आ रहा है। तो जब आई करंट जा रहा है तो करंट जा रहा है मतलब एक्चुअली तो चार्ज फ्लो कर रहा है, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना ड्रॉप करता है बताओ। अगर है ना पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इसके अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप आई इंटू आर का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। तो जो चार्ज जा रहा है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है, तो मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी लूज कर रहा है। तो वो एनर्जी जो लूज कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल फॉल कर रहा है, जब चार्ज हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है मतलब चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वह एनर्जी हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। तो वह एनर्जी कितनी होगी बताओ, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी यू, चार्ज ने जितनी एनर्जी लूज करी, ये क्या है भाई, हीट जनरेटेड अक्रॉस रजिस्टर इन टाइम डी टी। बिल्कुल छोटे से टाइम में बात कर लेते, डी टी टाइम में जो जनरेट हुई है, ये डी क्यू क्या है, हीट जनरेटेड अक्रॉस रजिस्टर इन टाइम डी टी, एक छोटे से इन टाइम इंटरवल है डी टी, उसमें इतनी हीट जनरेट हुई है, वो क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो ये क्या आएगा, माइनस डी, मान लो डी क्यू चार्ज गया डी टी टाइम में, डी क्यू चार्ज गया, तो डी क्यू चार्ज ने कितनी एनर्जी लूज करी है, डी क्यू इंटू वी, और वी कितना है तुम्हारा, अच्छा एक मिनट कंफ्यूज मत होना, पहले तो ये क्यू मतलब कैपिटल क्यू मतलब चार्ज नहीं है, हीट को भी अपन क्यू से बताते हैं ना, समझ में आ रहा है, थर्मोडायनामिक हीट को भी तो क्यू से बताते थे, चाहो तो डी एच लिख लो, फिर कन्फ्यूजन होगा तो डी एच लिखो इसे भी। तो क्या हुआ, डी क्यू इंटू वी पोटेंशियल ड्रॉप, डी क्यू इंटू पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो रहा है, माइनस आई आर है ना, यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, माइनस आई आर, ठीक है। तो हीट कितनी जनरेट हुई इसके अक्रॉस, डी क्यू इंटू आई इंटू आर, आई को क्या लिख सकते हैं अपन बताओ, आई तुम्हारा होता है डी क्यू बाई डी टी, ये तो गड़बड़ हो गई, पोटेंशियल इसके अक्रॉस आई आर का ड्रॉप हो रहा है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है। इसको एक काम करो, वी लिख दो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो तो कॉन्स्टेंट है, इसको भी थोड़ी देर के लिए डेल वी लिख दो है ना, इसका पोटेंशियल जीरो वोल्ट मान लो, इसका पोटेंशियल वी वोल्ट मान लो, तो डेल वी आया, डेल वी क्या हुआ तुम्हारा, जीरो माइनस वी, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, डी क्यू इंटू वी, उसको भी अपन बाद में रखेंगे, वी इक्वल टू आई आर है ना, यही होगा कि देखो अब तुम्हें टोटल हीट चाहिए तो तुम क्या करोगे, या तो पावर चाहिए, पावर चाहिए तो तुम क्या करोगे, डी एच बाई डी टी कर दोगे, पावर ही होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, वी तो देखो कॉन्स्टेंट है, वी चेंज नहीं कर रहा है, चार्ज के यहाँ से यहाँ फ्लो करने से पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता, पोटेंशियल तो बैटरी मेंटेन कर रही है, तो वी इसके लिए कॉन्स्टेंट है, तो डी क्यू बाई डी टी आ जाएगा। तो पावर देखो तुम्हारी कितनी निकल के आई, वी इंटू आई, अब वी को क्या रख सकते हैं अपन, जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वी माइनस जीरो कितना है, आई आर है ना, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है तुम्हारा, वी तो है यहाँ पे, तो वी माइनस जीरो कितना हो रहा है, आई आर, तो इसको आई आर रख देंगे तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, आई को वी बाय आर रखो तो वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर बना, एक आर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तो ये पावर के तीन है, तीनों याद रख सकते हो तुम्हें ना, बाकी आई स्क्वायर आर सबसे जनरल है, बाकी फिर तुम कन्वर्ट कर सकते हो एक दूसरे से है ना, दिख रहा है ना कन्वर्ट हो रहे हैं। बल्ब वाले क्वेश्चन आते हैं ना बहुत सारे, तुम देखोगे ना बल्ब वाले क्वेश्चन मिलेंगे, वो एस सी वर्मा में नहीं है पर बाकी जेई मेंस वगैरह में आए हुए हैं, एग्जाम्स में आते तुम्हें मिल जाएंगे क्वेश्चन, मैं करा रहा हूँ अभी। तो उन क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है ना, तो पता है हमारे घर पे जो बिजली आती है या फिर हम बल्ब वगैरह कुछ भी खरीदते हैं है ना, तो उस पर आधे लिखा होता है कि भाई इतने वॉट का बल्ब है, एक तो पावर लिखी होती है वॉट, और दूसरा वोल्टेज लिखा होता है कि भाई वो रिकमेंड करते हैं कि भाई इस वोल्टेज पे जलाओ, जैसे अगर उस बल्ब पे लिखा है भाई 5 वोल्ट, उसके अक्रॉस तुमने 220 वोल्ट या 240 वोल्ट दे दिया तो खराब हो जाएगा। तो रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर होती है हर एक डिवाइस, कोई भी डिवाइस ले लो, तुम्हारा चार्जर ले लो, लैपटॉप ले लो, हर एक के लिए रिकमेंडेड होता है। तो तुम्हें उसको पता है क्रॉस नहीं करना, उसको क्रॉस किया तो जल जाएगा ना, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो हर एक बल्ब पे भी लिखा आता है, कोई भी बल्ब खरीदना चाहे सीएफएल खरीदो कुछ भी, उस पर एक पी रेटेड होगा एक बी रेटेड है ना, पी रेटेड मतलब रेटेड पावर होगी और बी रेटेड मतलब रेटेड वोल्टेज, मतलब वो कहेंगे कि अगर तुम इस वोल्टेज पे चलाओगे तो इतनी पावर वो कंज्यूम करेगा। तो लिखो, नोट लिखो, ऑन एवरी इलेक्ट्रिकल एप्लीएंस लाइक बल्ब, क्योंकि अपने क्वेश्चन में बल्ब भी आते हैं जनरली ना, लाइक बल्ब, देयर इज रिकमेंडेड वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है ना, देयर इज रिकमेंडेड वोल्टेज विच इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज, हम ऐसे लिखेंगे उसे वी रेटेड है ना, फुल स्टॉप। ऑल्सो देयर इज रेटेड पावर विच इज कंज्यूम्ड बाई द बल्ब वैन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेटेड वोल्टेज। तो लिखो अपने क्या लिखा, ऑन ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक बल्ब्स देयर इज रिकमेंडेड वोल्टेज विच इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज, ऑल्सो देयर इज रेटेड पावर विच इज कंज्यूम्ड बाई द बल्ब वैन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेटेड वोल्टेज है ना, समझ में नहीं आएगा ना कुछ भी, देखो
देखो पहले तो समझो ना, एक तो भाई कोई भी तुम बल्ब खरीदोगे उस पर एक तो वोल्टेज लिखा होता है, एक पावर लिखी होती है ना। एक तो एक का यूनिट होगा वोल्ट, एक का यूनिट होगा वॉट। वॉट मतलब पावर, वोल्ट मतलब वोल्टेज, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो वोल्टेज का मतलब क्या है, रेटेड वोल्टेज का मतलब कि इससे ज्यादा देना नहीं है, इससे ज्यादा दिया तो खराब, एक मतलब तो ये ठीक है। अब दूसरा रेटेड पावर का मतलब क्या है, जैसे उस पर लिखा है 20 वोल्ट, उस पर लिखा है मान लो 20 वोल्ट और 100 वॉट मान लो लिखा है ठीक है। तो उसका मतलब पहला मतलब है कि 20 वोल्ट से ज्यादा देना मत, पहला मतलब। दूसरा मतलब है जब तुम 20 वोल्ट दोगे, जब तुम 20 वोल्ट दोगे उस समय वो 100 वॉट पावर कंज्यूम करेगा, समझ में आया क्या? तो अपन ने पढ़ा था पावर क्या होती है, V² / R। तो जब तुम रेटेड वोल्टेज देते हो उस समय रेटेड पावर कंज्यूम होती है, क्लियर है क्या? हमारे लिए किस तरह से काम का है, हमारे लिए बस इतना काम का है इससे हमें हमारा रेजिस्टेंस मिल जाएगा डिवाइस का। तो डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V² / P। इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है। अब देखो एक चीज और, जो बल्ब की ब्राइटनेस होती है, क्वेश्चंस आएंगे कि भाई कौन सा बल्ब ज्यादा तेज चलेगा, कौन सा धीमा चलेगा, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा। तो बल्ब की जो ब्राइटनेस होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, पावर रेटेड नहीं पावर कंज्यूम। अरे रेटेड पावर तो तभी जब तुम उतना वोल्टेज दोगे, अगर उससे कम वोल्टेज दोगे तो समझ में आ रहा है उससे कम पावर मिलेगी। तो ब्राइटनेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर कंज्यूम है ना बाय द बल्ब, रेटेड पावर नहीं, याद रखना रेटेड पावर नहीं। ठीक है ये लिख लो, फिर अपन क्वेश्चंस करते हैं। लिखो भाई क्वेश्चन, लिखो लिखो। फोर आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर, राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्राइटनेस। करें क्या? तो कैसे करें ना, फिर सबसे पहले तो ये समझो सबको आइडेंटिकल बोल दिया, मतलब सबका वी रेटेड बराबर, सबका पी रेटेड बराबर है ना, मतलब सबका रेजिस्टेंस बराबर। तो आइडेंटिकल मतलब सबका रेजिस्टेंस बराबर है, इन सबको रजिस्टर की तरह देखो। और रजिस्टर में पावर क्या होती है, I² R। अब रेजिस्टेंस तो सबका बराबर है, देखो हमें निकालना है ब्राइटनेस, ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, पावर। और देखो पावर आ रहा है I² R, रेजिस्टेंस सबका बराबर है, तो पावर किस पर डिपेंड कर रही है, करंट। तो एक तरह से तुमसे पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, पर तुम्हें एक्चुअली में निकालना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करंट, क्योंकि हम देख रहे हैं ब्राइटनेस पावर पर डिपेंड कर रही है और पावर करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो करंट देख लेते हैं, तो मान लो इधर से आई निकला, देखो इधर से आई गया, इस वाले में से इधर आ रहे और इधर पर रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो इसमें से कितना जाएगा 2I/3 और इसमें से कितना जाएगा I/3। और मान लो तुम्हें नहीं पता एग्जैक्ट, तुम्हें नहीं पता कितना जाएगा, कुछ भी हो इस वाले में से तो ज्यादा जाएगा, इतना पक्का है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, इस वाले में इस वाले से तो ज्यादा जाएगा ना। तो खत्म। देखो तो सबसे ज्यादा करंट किसमें से जा रहा है, V1। तो ब्राइटनेस की बात करें तो V1 की ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी, फिर V2, फिर V3 और V4 में। हाँ किसी को इसमें कोई डाउट पूछना है, यहाँ तक कोई डाउट पूछना है किसी को, नहीं पूछना।